Deficiencias Syndrome. Required, MNO? Deficiency Syndrome. Deficiency Syndrome. Which are the couple form? Human immunodeficiency. Human immunodeficiency virus. Very good. शुरू में तो बच्चे थे उस समय तो मम्मी हमको इधर उधर ले जा रही थी तो हम सोच रहे थे कि कहाँ जा रहे हैं देखो कितना मजा आता है सर देखो लेकिन मेरा मैं उसके बाद तो बाद से हमको कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे हमको विटामिन दवा दिया जाता है मेरे पापा 2005 में नहीं उसके बाद मम्मी 4 साल बाद की उसके बाद he came to us when that time we had a school we were running that is orphanage school wait as I said चलो राधा 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 रुको राधा 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 धीरे से कर दीजिए पप्पी 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 स्पेल कीजिए क्लोज योर आईज डू रिमेम्बर देन ओपन योर आईज सुनिए तो उसका मतलब एचआईवी तो टीवी न्यूज़ पे देखते थे जब वो एड्स बोले तो उस समय ऐसा लगा सिस्टर कि मेरे नीचे का जमीन सिरक गया है अब हम कैसे जिएंगे ये तो लोग उसके मुंह से सुनते हैं कि जिसको हो जाता है वो तो जिंदा ही नहीं रहते तो मैं अब कैसे जी यहाँ पर भी कौन से व्यक्ति दीदी थी वो भी सब बताने लगी कि किस कारण उसे फैलता है तो ये कारण पूरा मालूम नहीं था चारों कारण वहाँ मालूम पड़ा फिर बच्चों को होने की संभावना उसमें मेरा ही छोटा वाला बेटा 1 साल का भी नहीं था तो मैं उसको अपना स्तनपान करवा रही थी तो वहाँ की दीदी बोली कि जो बच्चे को दूध पिलाती है वो भी ऐसा हो जाता है तो उस समय भी और दोबारा ऐसा कन्फ्यूज होने लगा टेंशन कि अब तो मेरा जीना बेकार है अब मैं भी ऐसा मेरे पति भी ऐसा मेरे बच्चे भी तो मैं जीऊँगी किसके लिए मेरा कोई पूरा अधूरा सा लग रहा था बहुत वहीं पे रोई फिर अपने ऊपर वाले परमेश्वर से मैं बहुत प्रार्थना की कि मैं हम लोग दोनों चाहे जैसे भी हो मेरे बच्चों को बचा लो देन वंस अगेन व्हेन टू चेक द बेबीज ब्लड देन इट वाज 90 एट दिस इज मंथ्स दे वेंट टू चेक द ब्लड ऑफ द बेबी लास्ट टाइम मैंने दिया था मैंने चाइल्ड इट वाज नेगेटिव आई एम 14 इयर्स ओल्ड एचआईवी था मैंने लास्ट को याद है 2008 के स्कूल में पढ़े ज्ञान स्कूल तो मैंने स्कूल पेरेंट्स से छुट्टी लेकर माँ साथ घर के लिए निकली परंतु मेरी माँ घर नहीं लेकर हरियर धाम मंदिर ले गई जहाँ मुझे लड़के और उनके परिवार से मिल गए लड़का उतना अंदाज नहीं लगा सकते लेकिन शादी हो गया उसके बाद मैं वहाँ से ससुराल गई तो ससुराल से 2 दिन के बाद वहाँ से मैं भाग कर माँ घर आ गई तो फिर मैं अपने पेरेंट्स को बताई कि मैं वापस नहीं जाना चाहती मेरे पेरेंट्स ये बात सुनकर बहुत ही गुस्साए और मुझे वापस जाने के लिए कहने लगे फिर 2015 में मैं सिस्टर से मिली बीमार पड़ने के बाद मैं सिस्टर से मिली तो सिस्टर को मैं सारी बात अपने बारे में बताई और सिस्टर से मिलने के बाद मुझे जीने की उम्मीद नज़र आई सिस्टर फिर से मुझे पढ़ाई करने की अपने स्कूल में सनेदीप स्कूल में मौका दी और मैं यहाँ की दवा छोड़ दी थी 1 महीने तक इसीलिए मेरा हेल्थ कमज़ोर हो गया था नहीं हम निर्णय लेंगे कि जब तक एच आई वी पॉजिटिव रहेंगे तब तक शादी नहीं करेंगे क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है इसलिए हम अपने पैरों पर ही खड़ा होकर दिखाना चाहते हैं अपने पैरों Well, equality, there is no equality. Husbands get the disease first and they hide from the parents. And I told them, don't you get angry? And they said, no, sister. They went to earn money for our children, for my children. But then I was not with them. They also had their physical needs. So then I cannot blame them. So initially, what they told me is, they went to earn money and along with it, they also brought AIDS. They brought money and they also brought AIDS. This is what they tell me.
most of the people were, especially women, they are pushed out of the house after the husband's death. The mother-in-law used to tell them, you only brought sickness to my son, you killed my son. Women had no place. So we had to work together towards them to get this their rights. In 1989, I was very young that time. They were not sure how the HIV and AIDS spread from one to the other. So government has to take precautions, so they have to isolate it. And sometimes I saw some of these people were coming and food also not properly given. Somebody will come and throw the food, okay, you take. Because that much fearful they were. When I heard in the papers, the newspapers on HIV AIDS, the people are put in the jail. They are not allowed to see anybody. I thought I should get into this ministry. Whatever may the reason, cause, how they spread the HIV, every human being has the right to live like any other normal person. The first time came patients, I took them as staff. So because otherwise they don't get a job. So we employed them, and initially we in the bus, even in the bus they used to talk about HIV, how it is spread. Ready? Women have problem getting to the hospitals. Once the doctors know they are HIV positive, they will not take it. Especially for delivery, if they need operation to be done, still government doesn't do as I know. Some doctors say, okay, I need to do it about the baby. One couple, they did not have a child and they became pregnant. So then they called me up. I said, you need the baby? That's right. She said, yes, sister. I said, don't abort. So I have also contact with two hospitals where they did too. So they wouldn't mind. I think the children are also becoming aware. Because up to now, there are no medications. Only with the ART medicine, we can bring it under control. So then that our motto is, okay, bring into awareness at least the coming generation. Free on such a day. Oh, vast changes are there. I remember first time I went to a house. As soon as we got in, they closed the door and he started fighting with us. Fighting in a sense, giving all kinds of, calling us all kind of rubbish. What did you come to see? What is here? Go away from here. See, we moved out. That is my first experience. That much stigma they had. But now they welcome you, okay, please come. AIDS means something very serious. It's a contagious sickness. So they were frightened. So now they know how it is spread, only four reasons. So their stigma is gone almost nil now. Even in the schools, they never admitted the children. Now they will take. Earlier, the working place, they send them out. Now they wouldn't send them out. So stigma is almost, I wouldn't say completely gone, but more than 50, so 80%. Only 20% stigma is there. हम अब ये संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी 18 वर्ष के 18 वर्ष से छोटी लड़कियां हैं उन लोगों के माँ बाप के दबाव में नहीं आकर शादी ना करें क्योंकि अपने पैरों पर पढ़ लिख कर अपनी पढ़ाई पूरा करकर अपने पैरों पर खड़ा होकर किसी के लिए सहारा बने यहाँ के कुछ नहीं This is, I think the villagers know about me, but so far nobody is telling me anything. There is no stigma or discrimination in this area. My client is HIV संक्रमित है. He gives his own example. Take medicine. आप समूह के लिए. I also am taking medicine and see I am all right. Together we are happily living in front of you. उसके बाद फिर बोले कि अच्छा से दवा वा खाने से बहुत दिन सेक्स जिंदा Every human being should give. There may be time people may not help you. So there are times I felt very down. Every day, begin a new day. If one door is closed, another 10 doors are open. So my life is a God-given gift. So I should make use of this life positively. Don't waste your life.